एगो काम बोले रही तनु के, उहो ना कैलक अभी तक। सिर्फ हेल्प लेवे आवेले एके, हेल्प करे के बारी आवेले तो पता ना कहां गायब हो जाले। अभी बता पता नहीं है क्या ई और एकर मोबाइल दोनों एक के जैसन। आई थिंक अपन मिशन खातिर हम तनु पर भरोसा करके बहुत बड़ गलती कर रहे बानी। सिर्फ कॉन्सर्ट के इन्फॉर्मेशन लेवे खातिर हम इतना टाइम वेट ना कर सके नी। और फिर ओकर आपन इतना सारा प्रॉब्लम बा, वो उनके सॉल्व करेगी हमार। और अभी अभी तो वो हमरे साथ भी आ, लेकिन कबो भी भूल सके ली कि वो भाई के अगेंस्ट ना जाए। हम के आपन हेल्प खुदे करेगी पड़ी। ये हमार लड़ाई है, अकेले ही लड़े के पड़ी और जीते के भी पड़ी। और अभी कॉन्सर्ट के डिटेल लेवे खातिर हमके ही घर में जाए के पड़ी, माने के पड़ी। दादी के सजेशन बा बड़ा काम के, बस जल्दी से बुगेम्बो आ जाए, उकरा के बोल देब कि हम ही कॉन्सर्ट करता नहीं। बाकी बुगेम्बो आवत कहे नहीं के, कब से वेट करता नहीं, अभी एक्साइटमेंट संभलत नहीं के, का करी। मैसेज कर देत बानी, गुड न्यूज सुने के बता, 2 मिनट में रूम में आ जा। इतना फास्ट सर्विस बा, मैसेज पहुंचे से पहले ही पहुंच गेल। इका भिजला हमके मैसेज भेजले बानी, मैसेज हम कौन से कर रहल बानी के चिट्ठी भेजले हो, का मैसेज भेजला हो। अरे तनी मुस्कुरा के भी तो पूछ सकेलू ना। गुड न्यूज बा। गुड न्यूज का है? आप अपन शादी के डेट निकाल देले बड़ा। गुड न्यूज हमरा खातिर ना, तारा खातिर बा। आप और हमके गुड न्यूज दे है, प्लीज पागल मत बनाई हमके। अब जब बेवकूफ बा उकरा का पागल बनावे के का कला। हम ही कहली के बिना कोनो शर्त के ई कॉन्सर्ट करे खातिर तैयार बानी। का आप मजाक तो ना करल? हम ही कॉन्सर्ट करे खातिर तैयार बानी बिना कोनो शर्त के। ओके हां हम उहे करल बानी, आप कॉन्सर्ट के लेके मजाक तो ना करल। तू जाने लो कि म्यूजिक हमार लाइफ बा, और कोनो भी इंसान अपन लाइफ के लिए मजाक तो ना करेला ना। आप अचानक अपन फैसला काहे बदल लेला? कुछ देर पहले तो इतना एटीट्यूड के साथ मना करत रहला। कुछ देर पहले और अब में कुछ देर के फर्क बा, और कुछ देर में ये सब कुछ हो गई। आप कहीं डिवोर्स लेवे के फैसला भी तना बदल देला? तनु से शादी और तोहरा से डिवोर्स, ये हमार म्यूजिक से बढ़ के नहीं खे। सिंगिंग इज माय पैशन, और म्यूजिक हमरा के सिंगर बनाई लेबा। ऑलराइट, हमार लाख फैंस जे हमके अभी से अभी द रॉकस्टार बनाई ले बाड़े, हम उनका दिल ना तोड़ सकेले, और तोहरा खातिर तो बिल्कुल भी ना। तू खुद एगो प्रोफेशनल वालू ना, तो तोहरा तो पता होके के चाहिए कि कोनो भी इंसान के अपन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखे के चाहिए। तो ई खातिर हम ई कॉन्सर्ट करब। ना ई झूठ बोल रहल बानी, इतना तो हम इनके जानी ले। ए तरह के बात ई ऐसे इतना करेले, वजह कुछ और बा। कैसे कैसे पता लगाई वजह के? अय मनी मन लड्डू फुटत बना, खुशी कंट्रोल नहीं के होत के इतना पैसा के का करबू। अरे कॉन्सर्ट के बाद तू वर्ल्ड के सबसे बड़ ऑर्गेनाइजर बन जाएगी। ये कॉन्सर्ट के बाद तो हमनी दोनों की जिंदगी बदले वाला बा। हमार मतलब बा के इतना बड़ कॉन्सर्ट होगी, तोरा बहुत सारा पैसा मिली, तब जिंदगी बदली ही ना। तजा अपन तू कॉन्सर्ट के तैयारी करा, हम भी अपन सिंगिंग के प्रैक्टिस करा था नी। ये एक्साइटमेंट कॉन्सर्ट की तो ना हो सकेले, कौन और चीज के हा। कहीं दादी तक कुछ ऐसा ना कहनी इनसे, दादी से ही पूछ लेता नी। प्रज्ञा अच्छा होगल तो आ गईलू, ना तो हम तोरे पास आवे वाला रहनी, तरह के कुछ बतावे का। दादी हमकी बहुत जरूरी बात करे के बा आपसे। एक मिनट तो कहीं हमसे इतना पूछे वाला कि अचानक अभी कॉन्सर्ट खातिर हाँ कैसे बोल देलक? हाँ हम ये बतावे आयल रहनी आपके कि अचानक फैसला बदल ले ले आपन, वो कॉन्सर्ट करे खातिर हाँ कह देले, और वो कॉन्सर्ट के लेके इतना खुश बानी जैसे लाइफ की सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गए होके। बिना कोनो शर्त के कॉन्सर्ट करेला तैयार बाड़े। हम तो ये पूछे आयल रहनी कि लेकिन आपके पहले से कैसे पता कि हम ये पूछे वाला बानी, और आप इतना परेशान काहे बानी? एक्चुअली दादी आप प्लीज जल्दी बताइए, हमके टेंशन हो रहल बिया। बेटा जब हम ओके मनावत रहनी ना, हमसे एगो गलती हो गई, तो हम ओकरे बारे में सोचत रहनी कि हम अपन गलती कैसे सुधारी। कौन सी गलती दादी? जब हम
हम ओकरे ओकरे पास गई नहीं ना ओके मनावे खातिर तो हमके कुछ सूझत ना। हमके माफ कर दिया बेटा दादी हमारी इरादा ही ना रहे एक्चुअली ओके मनावे के चक्कर में ऐसा कुछ बोलत गई नहीं ध्यान ही ना आयल कि हम का बोल रहे बानी एक्चुअली हम चाहत रानी कि कोनो तरह भी हाँ बोल देवे ये कॉन्सर्ट खातिर और हमनी के ये प्लान फेल ना हो जावे ये आखिरी प्लान रहे हमनी के बस ओकरे चक्कर में पता ना का कुछ बोल गई नहीं हमरे समझ में कुछ ना रहल लेकिन दादी ये आइडिया का है आप समझ रहे बानी तनु और इनकर शादी अगर वाकई ऐसा कुछ कर देले तो दादी अगर भरे कॉन्सर्ट में ही सबके सामने अनाउंस कर देले कि ये तनु से शादी करे वाला बाड़े तो हम का करब दादी फिर हम चाह के भी अपन शादी ना बचा पाए हम घर बसा ना पाए अपन दोबारा ना बेटा ना ऐसा बात मुंह पे भी मत लइया और ना हम ऐसा कुछ होके दे बेटा गलती हम कहले बानी ना तो हम अपन गलती खुदे सुधारब बेटा ऐसा कुछ ना होगी तनु के सच सामने आके ही रही तू बस चिंता ना करा हम पे भरोसा रखा बेटा हम सब कुछ ठीक कर दे तू चिंता मत करा तू आराम से चिंता मुक्त होके तैयारी करा कॉन्सर्ट के अब कुछ गड़बड़ ना होगी हाँ हम सोचब हमके का करे के बा हमके पता बा आप कमरा में लेटल लेटल बोर हो गेल बानी ना यही खातिर हम आपके बाहर ले आईनी बस कुछ दिन और सर लांटी फिर तो आप खुद ही अपन पैर पे चले लगब और तब तक तक प्रगति भी अपन मकसद में कामयाब हो जाए अरे सर लांटी अभी तो हम ओके सुला के आई रहनी फिर से उठ गई बस अब 2 मिनट रुके हम अभी आता नहीं ठीक बा 2 मिनट लगता यहाँ हमरे खातिर आयल बाड़ी ई मुसीबत से छुटकारा पावे के ऐसे अच्छा मौका कबो न मिले केहू बा भी ना आसपास बस एगो झटका और एकर खेल खत्म फिर ऊपर जाके ई केकरो सच बतावे हमके कोनो फर्क न पड़ी सॉरी प्रज्ञा अब तो काफी देर हो गई अब तो हर माँ के तो हर बहन के पास जा ही पड़ी सलांटी हिम्मत कैसे भइल ई तोहर माँ के मारे की कोशिश कैल तू एकर साइड लेता रू अरे जौना दिन घर में आयल रहे ना उही दिन हमके एक इंटेंशन के बारे में पता चल गेल रहे का कले रहू तू के तू बदल गेल बाड़ू तू केहू के लाइफ में इंटरफेयर ना करबू अरे ड्रामा करत रहली ड्रामा और तू लोग के एकरा पे दया आवत रहे ना अब देखला गलत इंसान पे दया करे के नतीजा शर्म ना आइल तरह के जे इंसान खुद के मदद ना कर सकेला तू ओकरा के मारे की कोशिश करत रही का कर रहल बानी अब गलत समझ रहल बानी
आलिया, आलिया माँ के नुकसान ना पहुँचावे चाहत रहे, बल्कि उतम माँ के गिरे से बचाओ नी। हम तरह तरह बेवकूफ नहीं थी, ये कौन रंग कब बदले ली हमके अच्छा तरह पता। ये आंटी के मारे की इरादा से आयल ले ली, लेकिन सबकी आवत देख के अपन इरादा बदल दे ली। ना भैया, हम भी देख ले रहनी आंटी के मारे ना आयल रहली, ई त इनके बचावत रहली, और अगर ना बचेती ना तो आंटी शायद। हाँ अभी हम सब ने देखनी कि आलिया ही सरला बहन के जान बचौलस। हाँ अभी हम भी देखनी, जैसे ही चेयर आवत रहे आलिया आके ओके रोक ले। That's it. केहू के भी हमार तरफदारी करे के कौनो जरूरत नहीं के। अगर इनके लगा था कि हम यहाँ आंटी जी के मारे आयल रहनी, तो इनके लगे हमके कौनो फर्क ना पड़ेला। ये हमरा बारे में का सोचे ले, ऐसे अब हमके कौनो फर्क ना पड़ेला। और वैसे भी अगर आप लोग हमार साइड लेबा, तो कहीं ऐसा ना होके कि ये आप लोगन के बारे में भी बुरा सोचे लग जाए। अपनी नाटक बंद करा, का करे आयल बाड़ू घर में, ऐसा कौन काम बा जेकरा वजह से तू घर में आयल बाड़ू, और का लेवे आयल बाड़ू। लेवे ना देवे आयल बानी। रचना सल्ला आंटी के अंदर ले जा। ई पेपर्स, काफी इम्पोर्टेंट पेपर्स भाई घर के बाहर पड़ल रहे। हम बहुत देर तक गार्ड्स के ढूंढनी, उनके आवाज भी लगानी, लेकिन केहू वहां पर ना आई। हम वेट कहनी कि केहू वहां पर आई तो हम उनके दे दी, लेकिन हमके केहू भी ना मिलल। एक पल के ख्याल आयल कि अपन पास आउट हाउस में रख ली, लेकिन फिर याद आयल कि केहू के भी पेपर्स हमारे पास वहाँ आउट हाउस में मिल गए, तो सब इहे बोली कि आलिया चोर बिया, उहे पेपर्स चुरावले बिया। लेकिन गलती हो गई, रख लेवे के चाहत रहे वो पेपर्स वहाँ पर। यहाँ पर आवे से तो बेटर ही रहल ना, आफ्टर ऑल झूठा मर्डर केस में फंसावे से तो बेटर है कि केहू हमके झूठा चोर ही बुला देवे, राइट? पेपर्स तो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये मिसप्लेस हो जाता तो हमने की बहुत बड़ा लॉस हो जाता। ना ना ना, अगर आप सॉरी बोले के सोच रहे बानी तो कोनो जरूरत नहीं के, काहे कि हम जाने ली कि आप बिल्कुल भी वैसा ना बानी। आप तो गलती कर ही ना सके ले, राइट? लेकिन अब हम वैसा ना बनी, और अब हमारी इरादा और भी पक्का हो गई कि हम ही घर में अब चाहे कुछ भी हो जाए वापस ना आई। कहा ना हम थक चुकल बानी, बुराई करके बुरा तो हम बनी चुकल बानी, लेकिन अब अच्छाई करके बुरा ना बने चाहे नहीं। सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। माँ, आराम से, बिल्कुल परेशान होके वाला बात ना बा। अब काहे चिंता कर हलबानी, हम सब बानी ना आपके साथ। हाँ एगो मुसीबत आ गए रही, लेकिन अब तो टल गए बाना, हमनी आप पे आज तक ना आवे दे। बिल्कुल टेंशन मत ले, आप सूच जा, आराम करी। हमार समझ में ना आ रहा कि ई सब भइल कैसे, और माँ के बाल लेके ही के गए। आज आलिया अगर वक्त पे ना आवत तो बहुत बड़ा हादसा आज होके से टल गए। हमरे समझ में ना आ रहा कि हमरे साथ ही ऐसा काहे हो रहा बा। प्रज्ञा दी, ई हमार गलती रहे, हम ही सरलांटी के बाहर लेके गई रहनी। हम सोचने कि अगर थोड़ा बाहर निकली तो उनके अच्छा लगी, लेकिन उहे वक्त बिट्टू रोवे लागल तो हम एक मिनट खातिर बाहर गई, और पता ना कैसे सरला आंटी के व्हीलचेयर सीढ़ी के पास आ गई। ई सब हमार लापरवाही की वजह से भइल बा, हमार गलती थी, हम सो सॉरी, प्लीज हमके माफ कर दी। रचि तू का बोल रहल बाड़ू, तार कौनो गलती ना है, तू तो अच्छा इंटेंशन से माँ के बाहर लेके गल रहलू ना। सही करल बिया प्रज्ञा रचना, तू सरला जी के सीढ़ी के पास थोड़े ही लेके गल रहलू। हाँ तू अपने आप के दोस्त मत दी बेटा, लेकिन माँ के व्हीलचेयर सीढ़ी तक गईल कैसे,
वाकई कोनो एक्सीडेंट रहे या तनु के कोनो साजिश। रच्चू, आइंदा अगर माँ के कमरा से बाहर ले जाइब ना तो ध्यान रखिए कि केहू तोरे साथ रहे। रच देख तहरा की अपन बच्चा की भी तो ख्याल रखे हो खेला एला तू कबो आलिया शर्म आवेले हम के तरह के अपन दोस्त कहे में दोस्त होके हमार हेल्प कैला के बजाय उल्टा हमरे काम बिगाड़ देलू। हम पूछे तानी का जरूरत रहे ओकर जान बचावे के। ओ माय गॉड आलिया तू कितना बड़ सेल्फिश पड़ू। जब तू देखलू कि तार ड्रामा के तार फैमिली पे कोनो असर न हो रहल तरह के पूछ न रहल तो तू घर पे आके ड्रामा करे लगलू सरला आंटी के बचलू ताकि सबके नजर में तू अच्छा बन जा सबके लगे कि तू बदल गइल बड़ू। तू ऊ घर में अपन रास्ता बनावेला हमार रास्ता काट रहल बड़ू। तो के पता बास तू सरला आंटी के ना बचा ले तू तो हमार लाइफ के सबसे बड़ टेंशन खत्म हो गई हो। अरे तो सुन भी रहल बाड़ू हम का बोल रहल बानी। सुन रहल बानी और शायद तू ना देख रहल बाड़ू कि हम कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहल बानी तो हटा हमार रास्ता से। इम्पोर्टेंट काम तहारी काम हमरे प्रॉब्लम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ So can we talk about your issues later? बाद में बात करी। अरे तू चीज कितना lightly कैसे ले सकेलू? ये matter हमार शादी से जुड़ल बा। आई जान के भी तू उनकर जान बचावलू और हमरा पूछला पे भी तू ई ना बता रहल बाड़ू कि तू जान बचावलू का है। लिसन तरह हमके अपन दोस्त ना माने के बाद ना माना हमके तरह से कौनो शिकायत ना बा पर तू हमार दुश्मन के साइड काहे ले रहल बाड़ू? तू काहे उनकर हेल्प कैलू? कौन एक चीज के बदला ले रहल बाड़ू तू हमसे यार? Just cut the crap तनु। Just shut up, okay? ई सब कुछ जे भी भइल बा वो सब तहार वजह से भइल बा so stop blaming me, right? हमार वजह से का मतलब? तू हमके बोले रहलू कि ना कि भाई के कॉन्सर्ट के सारा डिटेल्स हमके लाके देबू कि ना? कहाँ बा डिटेल्स? डिटेल्स मांगे खातिर हम तारा के कांटेक्ट करे के कोशिश करनी तो तू हमके इग्नोर कइलू हमार फोन ना उठवलू और तू हमके ब्लेम कर रहल बाड़ू कि आलिया तू कैसन फ्रेंड बाड़ू? और तू जे फ्रेंडशिप निभा रहल बाड़ू इज दैट व्हाट यू कॉल फ्रेंडशिप? तनु जब भी तारा के कोनो काम होकेला मुंह उठा के ही आ जालू आलिया हमसे ना हो रहल बा आलिया हमसे ऊ ना हो रहल बा आलिया हम का करी? और जब हमके काम रहल तू मुंह मोड़ ले लू आलिया हम एक्चुअली तो के ओ रियली इहे वजह रह इहे वजह से हम वहां पर आपन काम खुदे करे गइल रहनी और जब हम वहां पर सरला आंटी के नीचे गिरत देखनी और सबके इकट्ठा होत देखनी हम उहे कहनी जे हमके ठीक लागल। काहे जरूरी बात तरह लेतना काहे चाहिए तरह के डिटेल्स? कॉन्सर्ट बा हमरा ला इम्पोर्टेंट याद रखा तनु अगर हम घर में आके तहार काम बिगाड़ सकेनी तो हम कुछ भी कर सकेनी। ओ तो तू हमरे अगेंस्ट जाइबू? स्वीटहार्ट जी हमरे साथ में ना बाबू तो ऑटोमेटिकली हमरे अगेंस्ट हो जाला ना। एला तू अब खुद सोचला कि तू हमार साथ में रहबू या फिर हमरे सामने हमार ऑपोजिशन यानी कि हमरे अगेंस्ट में। तहरा पास एक ऑप्शन बा हमके कॉन्सर्ट के सारा डिटेल्स ला के देबू तनु तू कितना लोग आ रहल बानी VIP गेस्ट के बा भाई कौन कौन सा गाना गा रहल बानी सिक्योरिटी से लेकर लाइटिंग तक एवरीथिंग हमके सब कुछ चाहिए और अगर तू ना कर सकेलू तो तू उहो अभी बता दी। I hope you get it. ये का हो रहल बा मिताली? काहे बाहर खड़ा होके हमनी के बात छिप छिप के सुनत रहलू? नीचे का देख रहल बाड़ू? हम तहरा से कुछ पूछ रहल बानी जवाब दी वहाँ छिप छिप के हमनी के बात काहे सुन रहल बाड़ू? तहर चुप्पी बता रहल बिया कि तहर नियत बहुत बुरा कोनो बुराई तू करे वाला बाड़ू और हम के त इहो लग रहल बिया कि तू हमनी के दुश्मनन से मिलल बाड़ू छिप छिप के उनके हमनी के खबर देवेलू सही बाना? ई का बोलिए दादी हमके त लग रहल बा कि इहे सरला आंटी के सीढ़ी से धक्का देले रहनी ई मारे चाहत रहनी उनके। तू ऐसा सोच भी कैसे सकेलू रचना? दादी दादी हम सरला आंटी के साथ ऐसा ना कहले बानी हम उनके काहे मारे चाह भला शायद प्रज्ञा दी से बदला लेवे खातिर है ना? दादी हम खुद अपन कान से सुन ले रहनी कि मिताली दी प्रज्ञा दी से बदला लेवे चाहतानी काहे कि दी इनके राज के खुलासा भैया के सामने कहले रहनी और जोन की वजह से उ दी से अब तक नाराज बानी। ये हम का सुन रहल बानी? रचना जे कह रहल बिया ई सच हका
बोल, तहरे चुप रहला से कुछ ना होगी। जवाब दी मिताली। हाँ दादी, ई सच बा। सच बा कि हम प्रज्ञा से बदला लेवे चाहत बानी, काहे कि ई जे कुछ भी हमरे साथ कैले बाना ओकर हमें के सबक सिखावे चाहता नहीं। लेकिन हम सरलांटी के धक्का ना देनी, हम उनके साथ ऐसन करब तो दूर ऐसन सोच भी ना सकेनी। हम तो सिर्फ प्रज्ञा से बदला लेवे चाहत बानी, एके बतावे चाहत बानी कि केहू के शादीशुदा जिंदगी के बर्बाद कैला से का हो खेला। ना प्रज्ञा, तू कुछ भी ना बोलबू। हमके रोक के, हमके टोक के तू का साबित करे चाहता रू, हमके गलत और अपना आपके सही? ना, तू ऐसन करे के सोची अभी मत। हम मानत बानी कि हम राज के मामले में गलत बानी दादी, बहुत गलत, और हम आपन गलती मान ले भी बानी। लेकिन हम गलत बानी, लेकिन प्रज्ञा हर बार सही ना हो सकत दादी। प्रज्ञा, तू बहुत गलत कैलू हमरे साथ, बहुत गलत। तहरा के पता भी ना बा कि हम कितना तकलीफ से गुजर रहल बानी, और तू जानबू भी कैसे, तू तो अपन पति के छोड़ के बैठल बाड़ो ना। तू का जाना कि एगो पति पत्नी के रिश्ता का होखेला, तू का जाना कि ई पति पत्नी के साथ में रहब कितना जरूरी होखेला। तू कबो केहू से प्यार ही ना कैले बाड़ो ना प्रज्ञा, तो हम तहरा के समझा भी ना सकब। हम समझा सकती तब जब आपके आपन प्यार आपसे नफरत करे लागे तो कैसन लागेला। तहरा के कैसे बताएं कि जब आपन बच्चन के पिता आपसे अजनबी की तरह बर्ताव करे तो कैसन लागेला। हम मानत बानी दादी की राज बाकी पति की तरह ना बा, कम बोले ले, बहुत कम बोले ले, लेकिन जब भी बोले लेना हम आपसे कहा बताई, हमार बात में कमी निकाल ले, ले हमके बेवकूफ कहब, बात बात पे हम पे ताना मारब, इत जैसे उनकर आदत बन गई रहे दादी। और हम तो उनके ई बात से भी बहुत खुश रहनी, हमके उनकर ई आदत भी अच्छा लागत रहे दादी, बहुत खुश रहनी हम, काहे कि हमके उनकर इस सब बात में अपनापन महसूस होत रहे। लेकिन अब तीन तीन चार चार दिन तक उनकर शकल भी ना देखे में ले, वो घरे ना आवेला दादी, उनके फोन करी ले तो वो फोन काट देवे ले। हम का करी दादी, हमार जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई, और हमार जिंदगी बर्बाद करे वाला के है जाने लू आप, ई प्रज्ञा, ई हमार हसत खेलत जिंदगी में आग लगा दे ले बिया। खुद अपन पति के साथ ना रह सकत, केहू और के भी ओकर पति के साथ रहे ना देवे चाहत, हाँ ना? हम कबो आपकी बुरा ना चाहनी भाभी, शायद आप ना समझा, लेकिन जे कुछ भी कहनी आपके भलाई ला कहनी, लेकिन लेकिन आपके उस समझ ही ना आयल बात, आप हमार बात मन ली ही ना। हम बस आपसे ई पूछी चाहत बानी कि अगर आप माँ के धक्का ना मरली तो आप यहाँ बाहर खड़ा हमनी के बात काहे सुनत रहनी। हम तहार बात ना सुनत रहनी, हम सिर्फ दादी के इंतजार करत रहनी वहाँ खड़ा होके। हमार इंतजार करत रहनू, पर काहे? हम आपसे आपसे बात करे चाहत रहनी राज के बारे में, बतावे चाहत रहनी कि आजकल वो हमरे साथ कैसन बर्ताव कर रहल बानी। आप ही घर के बड़ बानी, आप सब कुछ कर सके नी ना दादी, दादी आप राज के समझाई ना तो वो समझ भी जाइये, वो आपकी बात ना टाल सकेले। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहल बानी दादी, सिर्फ आप बानी जे हमार शादीशुदा जिंदगी के बचा सके नी। हम हाथ जोड़ल बानी आपके सामने, प्लीज कुछ करी। हम समझाई बोके, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाए, जरूरत पड़ी ना तो हम ओके डांट भी दे। पूरब देखला कर ले रजनीना की आ जाई, अब देखिए आकाश सारा काम कैसे हैंडल करेला, पहले भी अभी के सारा कॉन्सर्ट ये हैंडल करत रहे। पूरब वो सब हो जाए, प्रिपरेशंस भी हो जाए, सबसे पहले बताओ कि कॉन्सर्ट कैसे अचानक। आकाशी, ये कॉन्सर्ट हमने के प्लानिंग के हिस्सा बा। हाँ, ये कॉन्सर्ट से हमने तनु के फसावल चाहता नहीं, हमार मतलब ओके और ओकर बॉयफ्रेंड के रंगे हाथ पकड़ चाहता नहीं, ये आखिरी मौका बा अभी के तनु से बचावे के,
ए बार हमनी कोनो गलती अफोर्ड ना कर सके लिए ऐसे हम तोहरा के बुलौले बानी। हम जाना तनी तोहरा से अच्छा ही काम और क्यों नहीं कर सकत। पुरवियो डोंट फरी फॉर दैट। ए बार तनु के बच्चे के को मौका ना मिले। और हाँ, कॉन्सर्ट खातिर एगो बहुत अच्छा जगह बा हमरा दिमाग में। ओकर सबसे अच्छा ही बात बा कि वो जा हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगल बा। सो यू डोंट वरी। लेकिन भैया वो जगह दूर तो नहीं है। हमार मतलब बा कि वो जगह सुनसान ना होके। काहे कि ऐसा जगह रिस्क लेवे से हमनी के जो प्लान बा वो खतरे में पड़ जाए। वो जगह बहुत ही हैपनिंग बा। आए दिन वहाँ पे कोनो न कोनो इवेंट होत रहेला। सो यू डोंट वरी। तू को काम कर सकेला, हमको जगह दिखा सकेला। ओकर नक्शा भी अगर दिमाग में एक बार बैठ गेल तो प्लानिंग बहुत अच्छा से कर सकेला हमनी। व्हाई नॉट, श्योर। तू लोग चला गाड़ी पे, हम लोकेशन वाला के कॉल करते नहीं। ओके, चला रोनी। यहाँ तनु के पकड़े के इतना प्लानिंग हो रहा बा और वहाँ आलिया पता ना का प्लान कर रहा लोग की का करें। ये लोग के बताएं कि ना, आई थिंक ना बतावे के चाहिए। बताए तो उनका ध्यान दू जगह डाइवर्ट हो जाए। और का पता आलिया ऐसा कुछ करे ही ना, और अगर करी भी तो हम ओकरा संभाल ले। आलिया माँ के नुकसान ना पहुँचावे चाहत रहे, बल्कि ऊ तो माँ के गिरे से बचा उलक। बुरा कह के बुरा तो हम बन ही चुकल बानी, लेकिन अब अच्छाई कही के बुरा ना बने चाहता नहीं। हमरा साथी ऐसन कहे हो खेला का गलती करे ली जेकर हमके ई सजा मिलेला। का अपन फैमिली से प्यार कैल अपने से पहले उनके खुशी के बारे में सोचल ई गलत बा। हम सच के साथ दी या फिर कोनो गलत काम हो देखत रही। बुराई हमरा साथी ही कहे हो खेला। तकलीफ हमेशा हमके ही कहे मिलेला। लाइफ का से का हो जात बा हमार। आप यहाँ बैठे बैठे टाइम पास कर रहल बानी। हमके लागल कि आप सोके रिहर्सल कर रहल होखी। अरे जा 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 के अपन काम करा, हमके अकेले छोड़ दा प्लीज। आपके अकेले काहे रहे के बा? अकेले तो ऊ रहे चाहेले जिके उदास होके आवेला। आप काहे उदास रहे चाहत बानी? दो दिन पहले आप हमके लेक्चर देत रहनी कि खुश रह कितना इम्पोर्टेंट होखेला। अच्छा आपके खुद ही उदास रहे के बा? एक तो आपके मूड के हमके कुछ समझ में ना आवेला। आज कुछ और कल कुछ और। हमके लागत दू अभी से मेरा बाड़े। एक जे खुश रहे चाहत बा, दूसरा जे उदास रहे चाहत बा, इसे काहे मानी आप? काहे कि हम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ बानी जे जाने ला कि अपनन पे भरोसा करके हमके बार बार धोखा ही मिले वाला, लेकिन बार बार हम अब के धोखा दे लग आपके। आज तो आपके खुश होके चाहे कि ऊ बहन जिसे आप सारा उम्मीद ही छोड़ चुकल रहला, आज अच्छा काम कैलक। ऊ हमार माँ के जान बचावलक, जिके आप खुद माँ जैसन माने ले। फिर आपके कौनो बात के दुख बा? तू ना समझबो। अरे सगा बहन के खोल का हो खिलाई तू? अब ठीक कह रहल बानी। कैसे समझब बहन से अलग हो कब केकरा के कहेले? हमार बहन तो अपने पास बा ही नहीं खेना। I'm sorry. हमार मतलब ऊ ना रहे, हम जल्दबाजी में, हम भी इतना आइडियट बानी बिना सोचले समझले। अब तू रोहत कहे बाड़ू, प्लीज रो मत। हम सॉरी बोलत आनी ना। अच्छा ना माने के बाद तो अब तब बतावा कि हम ऐसा का करें जैसे तुम्हार मूड ठीक हो जाए। मुर्गा बन जाई? अगर मुर्गा बन जाई तो तू हमके खा जाइबू ना? ना नॉट फनी। ठीक बा, तो हम कान पकड़ के उठक बैठक करत आनी। हमरा से ना हुई, का करें जैसे तुम्हार मूड ठीक हो जाए। हाँ तू कहले रहलू ना कि हम अपन उस सॉन्ग के लिस्ट तैयार करी ताकि हम ओकरा प्रैक्टिस करके शो के अच्छे से प्रेजेंट कर पाई। तो वो लिस्ट तैयार बा, हम सुना बतानी। हाँ हम के ना सुने के बाप खुदे कर ली। अरे हमारा अकेले के शो थोड़ो ना बा। अगर हमार रेपुटेशन लागल बा तो तुहार भी तो पैसा लागल बा। अब दोनों के एफर्ट्स होके चाहिए तबे तो जाके शो हिट हुई। हमरा अकेले से का हुई? अभी खातिर तोरा तो हमार हेल्प करे के पड़ी। हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ ई वा लिस्ट तो एमे हम कुछ ऐसा कहले बानी के नया गाना के साथ कुछ पुराना गाना डलले बानी। तो हम शुरुआत करब हैप्पी लव से। हालांकि हम जानत बानी के प्यार में कबू इंसान खुश ना रह सकेला। पता ना गाना कैसे हिट हो गई, लोग भी ना। दूसर गाना बा, गाना कुछ ऐसा बा मुंडा क्रेजी प्यार मिले सी। डजंट साउंड राइट, पर हम एकर तो के फंडा बताओ था। इट्स रियली डीप। हमनी सब जाने ले कि प्यार में इंसान लेजी हो जाएला, ना कुछ खाएला, ना कुछ पिएला, ना कबो बाहर निकलेला, बस घर में ही पड़ा रहेला। बना सॉन्ग नंबर 3, रात के जगाए तहर नॉटी लव। हमके पता बा तू यही सोचो तो वो कितना चीप गाना बा। चीप ना, बहुत महंगा गाना बा, बहुत डीप बाई। ई गाना के मतलब तोहरा के पता बा? रात के जगाए तोहर नॉटी लव। अब देखा ना, हमनी सब जानत बानी के प्यार में इंसान के रात के नींद ना आवेला ना। तो हम ही सोचत रहनी के उ लोग के प्यार करे के चाही जे लोग के बहुत नींद आवेला। उन लोग के नींद गायब हो जाई। उता स्माइल भी नहीं के करत, का करी। और भी बहुत सारा गाना बा, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन से लागत बा कि हमके ऐजे रुक जाए के चाही।
एनीवेज हम ना इस बार कुछ अलग करे जात बानी। इस बार ना हम स्टेज पे अपन गाना के साथ साथ डांस करब हम। बाकी का बना अभी दो दिन बचल बा शो खातिर और हम अपन जो डांस बना ओकरा प्रैक्टिस ना कैले बनी तब हमके प्रैक्टिस करे के जरूरत बा। लेकिन हमरा साथे केहू बा ना प्रैक्टिस करे खातिर। एक्चुअली बा तू करबू प्रैक्टिस? हमके डांस वांस ना करे के बा। अरे ऐसे कैसे ना करबू, रिहर्सल ही तो करे के बा। एक्सक्यूज मी मिस्टर अभिषेक मेहरा, आपके साथ कोनो गलत फहमी भयल बा। हमके ना तो आपके फैमिली में कोनो इंटरेस्ट है, ना तो आपके शादी में। आज से हम ई घर के ओनर बानी। हम जानी लैब का देख ले। हम काहे बार बार उहे सब याद करता नहीं, काहे भूल जाए ली कि हमार फुग्गी नहीं खे। हम जानी ले कि आप हमके अपन फुग्गी ना माने ले, एहिला हमसे दूर रहे के कोशिश करे ले, पर कुछ तब बाजे आपके हमरे पास ले आवेला। पता ना काहे हम एकरा पास खेचल चलाए ली। बाकी बस अब कुछ दिन और ओकरा बाद ही हमसे खुदे दूर हो जाई हमेशा खातिर। पता ना हम कल के बाद आपके साथ रहब की ना, पर हम कुछ ऐसन कर जाएब जोना से आपकी धोखा देवे वाला आपके साथ ना होगी। आपके वो धोखेबाजन से अलग करे खातिर अगर हमके आपसे अलग होके पड़ल तो हो जाई। कहे कि हमरा ला हमार खुशी से बड़ आपकी जिंदगी हो। प्रज्ञा का कर रहल बानी? सुते दिन बहुत नींद आ रहल बिया। प्रज्ञा कहनी ना तू प्लीज बाद में ये, अभी हमके सुते के बा। एकर हिम्मत कैसे भाई, अभी के फेवरेट पिलो साथ में लेके सुते के। का बदतमीजा हो? बदतमीजी तो तू कर रहल बाड़ू। जब तेरा के पता भी है कि अभी के फेवरेट पिलो तेरे साथ चिपक के सुते के का जरूरत है? हमके पता भाई इनकर फेवरेट पिलो हो तेरा के पता, लेकिन हमरा नींद के ना पता। नींद में के देखेला कि कौन से तकिया पकड़ के बाने कौन से ना, कुछ भी कर सकेले नींद में। तो जब तेरा के पता भी है कि तेरा के नींद में कुछ पता ना चलेला, तो तेरा के अभी के पिलो से दूर रह के चाहिए ना, जैसे अभी तेरा के अपने आप से दूर रखेला। तू अकेलो के हमके बतावे वाला कि हम कैसे सूती, कौन से तकिया लेके सूती? हम अभी के होखे वाली वाइफ बानी। तो तू अपन होखे वाला पति से काहे ना कहेलू जे बाय द वे हमार कमरा में रहले कि वो अपन फेवरेट चीज हमसे दूर रखे। लिसन यू यूलिस, एक तो सुबह सुबह तू हमार नींद खराब कैलू, ऊपर से हमके सुना रहल बड़ो का करे आयल रहलू। वो हम तेरा से कुछ अर्जेंट बात करे आयल रहनी। का अर्जेंट बात करके बात रह के? देखा हमके कॉन्सर्ट खातिर बहुत सारा तैयारी करे के बाइला, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। अरे तेरे कॉन्सर्ट के बारे में ही बात करे आयल बानी हम। अब कॉन्सर्ट के बारे में तेरा के का बात करे के बा? ओनो कहीं तू इतना कहे वाला कि इनके साथ तेरा के भी स्टेज पे जाए के एज अ मॉडल? पहले हमार बात सुन ला, अभी कंसर्ट कैसे मना कर दे ले बा। हम ओके बहुत मनावली लेकिन वो न मान ला। तब उहे पूछे आल रहनी कि तू अभी कंसर्ट कैसे करबू। इतने दिन से इनके साथ पड़ू, तरह के कंट्रोल करके भी ना आवेला इनके, पता ना शादी के बाद का करे वाला पड़ू। तरह कहे के मतलब का? मतलब ई कि हमके पता रहे कि वो तरह से कौन सजेशन ना लेवे ले, लेकिन आपन फैसला तरह के बतावेले भी ना ही ना पता रहे। हम उनके कॉन्सर्ट खातिर कन्विंस कर ले बानी वो करे वाला पड़े। मना ले लू कब और कैसे? पर्सनल है, पर्सनल डिटेल्स ना बता सकेंगे। एनीवेज जे भी ओके, मतलब अभी कॉन्सर्ट होगी और तू हमके वो ब्लैकमेलर तक पहुंचाइबू राइट? पता ना अभी ये बारे में सोच लेना बानी, कॉन्सर्ट के इतना काम बा, हम तेरे प्रॉब्लम के बारे में ही सोचत रही। खैर हम कोशिश करब कि कोनो तरीका से ओके हुआ बोला कि तरह से मिलवा दें, लेकिन ओकरे बाद प्लीज हमार पीछा छोड़ दें।
मत बोलिया कि हमला ही कर दी हूं कर दी। I don't want any disturbance from you in the concert। ठीक बा हमके बस एक बार वो ब्लैकमेलर तक पहुंचा दा फिर हम तरह के ना दिखब। प्लीज अब जाओ यहाँ से हमके कॉन्सर्ट के कई सारा काम है। ओके अब अभी कहाँ बा? म्यूजिक रूम में होगी ना ऑन के भी तक गाना के रिहर्सल करे होगी। हमके निखिल से मिलके उसे सब कुछ डिस्कस कर लेवे चाहे बाद में टाइम ना मिले। अच्छा तो यहाँ सुतरहल बा अभी बतावत बानी कि हमरे होते ये प्रज्ञा की बात कैसे मान लेला। अभी अभी उठा अभी उठा। अच्छा भाई तो हमरा के उठा दे लो काबा ना के प्रज्ञा कमरों में सुतल रहे और ओकरा डिस्टर्ब ना करे चाहत रहनी ये खातिर यहाँ पे आके प्रैक्टिस करत रहनी और प्रैक्टिस करत करत कब आंख लग गई पता ही ना चला। तो तेरा क्यों कर नींद के फिकर बा कब हमार नींद के फिकर कैले बड़ा तू तोहर नींद खराब ना हो के ये खातिर तो तोहरा साथे ना सुतेली। मजाक बंद कर और ये बतावा कि कौन चीज के रिहर्सल के बात करत रहल तू कोनो कंसर्ट कर रहल बड़ा। तोहरा ना पता बका आज हमार कॉन्सर्ट बा और बहुत बड़ कॉन्सर्ट होके वाला बा रियली ग्रैंड आज तक ऐसा कॉन्सर्ट कबो भइल ना उहे की प्रैक्टिस करतानी एंड आई एम रियली एक्साइटेड। हां एक्साइटेड तो होक बना ई कॉन्सर्ट खातिर प्रज्ञा जी तरह के कहले बिया का यूहे कॉन्सर्ट है ना जे तू पहले करे से मना कर देले रहला और जब हम तरह से कहनी कि कॉन्सर्ट कर ले तो हमके बात सुनाला और हमके डांट के हमार मुंह बंद कर देला। अब यही खातिर प्रज्ञा तरह के कहला तो तू झट से मान गईला। अरे काहे टुकुर टुकुर बोला तारू अरे एक चिल पिल यार हमार जले पे नमक छिड़क रहल बिया और तुमके चिल होके खातिर कह रहल बड़ा। इतना गुस्सा काहे होता रु तू? हमार पति हमार बात न सुन के केहू और औरत के बात सुन रहल बा तो हम गुस्सा न करी त का करे। हम लास्ट टाइम पूछ रहल बानी तारे और ओकरे बीच कुछ चल त न रहल बा। अरे का सबेरे सबेरे पटर पटर चालू कर देलू तू ई सब हम तोरा खातिर करतानी बेबी हमरा ला और न त का कॉन्सर्ट में हमने के शादी के अनाउंसमेंट करे वाला बड़ा। आई लव यू अभी आई लव यू सो मच यू आर द बेस्ट। अरे यह बात जो तो अभी कहले बड़ू यह बात हम अपन ऑडियंस से सुने चाहत बड़ी और ई सुने खातिर हम के स्टेज पे जल्दी जाए के पड़ी स्टेज के मार्किंग करे के पड़े और ओकरा बाद ऐसा परफॉर्मेंस देवे के पड़ी जौन यादगार रहे तो ई खातिर हम चेंज करत नहीं और तू भी जाके चेंज कर ला। हां ई हमार लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सर्ट होके वाला। ओ नो हम तो निखिल से मिले जात रहने वो हमार वेट करत होखी। ये कहाँ चल गई? कुछ देर पहले तक तो ऐजे घोड़ा बेच के सूतल रही फिर अचानक कहाँ? अरे जहाँ मर्जी वहाँ जाए हमके का हम जल्दी से रेडी होके लग जात बनी अपन काम पे। आज हमके जरा भी एक्सेस ना लेवे के बा खुश रहे के बा और परफॉर्म करे के बा। इका एक भी ढंग के टी शर्ट नहीं के सब पुरान हो गए बा कहूं से लागेला कि रॉकस्टार के कबड बा कोनो लोकल मार्केट के रोड साइड स्टॉल लागत बा और सब वो मोगैम्बो के मेहरबानी बा। हम कुछ मांगत नहीं के तो एक मतलब ई नहीं के कि हमके ओकर जरूरत नहीं के कबो खुद से भी तो बोल सकेली कि चली आज हम आपके शॉपिंग करावत आनी। आज हम अपन लकी व्हाइट टी शर्ट पहनब। हे भगवान ये कैसे अंदर आ गए लगता हम ही दरवाजा ठीक से लॉक ना कहीं। हमार व्हाइट टी शर्ट कहाँ चल गई? मिल गई। यस नाउ यू लुक लाइक अ रॉकस्टार डैशिंग और लकी। मेकरा पहना थी ना एकदम मूड भी ठीक हो जाए। अगर हम बतावनी कि हम यहाँ बानी तो ये हमके बेवजह डांटी है चुपचाप यहाँ से निकल जात बानी। हमार फोन वही पड़ा बा अगर तनु फोन कर दे लगता आज के शो तो एकदम रॉकिंग होगी और ओकरा पता भी नहीं कि ओकरा ऊपर इतना बड़ बॉम्ब फटे वाला बा। आज बहुत मजा आवे वाला बा। हमके पता भी है कि आप का सोच के इतना खुश हो रहल बानी लेकिन ये खुशी हम आपकी ज्यादा देर महसूस ना करे देब
आप माइक में सिर्फ गाना गई हैं। कोनो अनाउंसमेंट तो हम आपके करे ही ना दीप। अभी जाके दादी से बात करे तानी कि वो आपके ला कुछ कईले की ना।